कैपिटल कोच कार्ल्स कैडेट को भाया संथाल आदिवासी लड़का। संथाल फैमिली से बिलोंग करने वाले एक ऐसा लड़का जो इंटरनेशनल कोच कार्ल्स कैडेट फुटबॉल के कोच कार्ल्स कैडेट को भा गया, जिसके गोल ने उनके दिल को जीता और उन्होंने फैसला लिया उस लड़के को कुछ बड़े मुकाम तक पहचाने का। जे मैं बात कर रहा हूं श्यामलाल बेसरा 19 वर्षीय श्यामलाल बेसरा की। तो सनम को की जोहार इंदो मिथुल कुमार मिथुल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को शगुन धरम बिना। जो भी आप को इंदो चैनल रे नवा गया पे हैं कौन सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर दबाएगा जस्टी बन बिलोंग करे दलबन वीडियो दे स्टॉप लगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं श्यामलाल बेसरा, जिसके गोल और जिसके मिडफील्डर, जिसके अटैक डिसीजन और जिसके डिफेंस डिसीजन, मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं श्यामलाल बेसरा द फुटबॉलर। संथाल कम्युनिटी के जन्म लिए हुए एक मामूली से लड़के 19 वर्षीय, जिसका जन्म 25 सितंबर 2004 को हुआ था, जो फुटबॉल के खिलाड़ी है। फुटबॉल जिनका सबसे बड़ा माइंड का गोल है फुटबॉल। उसी फुटबॉलर की मैं बात कर रहा हूं जो डोरंडा कप 2022 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, आरएफडीएल टूर्नामेंट में जिसके प्रदर्शन ने फुटबॉल कोच कार्ल्स कैडेट के दिल को भाया, जिससे उन्हें आईएसएल इंडियन सुपर लीग टीम में शामिल करने का फैसला लिया, आईएसएल में शामिल करने का फैसला ले लिया दोस्तों, और इनको उस लाइक बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरुआत कर दी है दोस्तों। जी हां, मैं बता दूं ये 19 वर्षीय लड़के जो कि छोटे पतले से हल्के फुल्के दिखते हैं, लेकिन काबिलियत भरपूर भरा हुआ इस लड़के में। महितोष रॉय और श्यामलाल बेसरा ऐसे दो है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब से खेलने वाले ये दो लड़के, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब से खेलने वाले ये दो लड़कों में एक संथाल लड़का का नाम में आया है श्यामलाल बेसरा, जिसे इंडियन सुपर लीग के लिए शामिल किया गया है। इंडियन सुपर लीग में ऐसी ही प्रतिभा की जरूरत होती है जिसकी तलाश कोच किया करते हैं, और वो कोच में सबसे महत्वपूर्ण की कंपोनेंट शामिल हुए श्यामलाल बेसरा, जिसका भविष्य फुटबॉल क्लब के लिए आईएसएल के लिए देखा जा चुका है और उनकी तैयारी किया जा रहा है दोस्तों। मैं बता दूं इनके बारे में कि ये लगातार बहुत ऐसे खेल में आगे बढ़े हैं और अच्छा गोल करने के बाद इनका ध्यान, दर्शकों का ध्यान, कोच का ध्यान और टीम का ध्यान ऐसे की कंपोनेंट पे गया है कि ये आगे का भविष्य है। लेकिन कोच कार्ल्स कैडेट कुछ कमियां भी निकालती है इन टीम के ऐसे प्लेयर, ऐसे खिलाड़ी पे। श्यामलाल बेसरा अभी उस लाइक नहीं है। कार्ल्स कैडेट साफ साफ एक इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि अभी ये लड़का भविष्य के लिए तैयार करना होगा इसे। इसकी सबसे बड़ा कमी इन्होंने बताया फिजिकलिटी, भौतिक जो इनका शरीर है, मसल प्रॉपर नहीं है। इनको जो पावर चाहिए गोल करने के लिए या डिफेंस करने के लिए, अटैक करने के लिए, वो इनमें अभी कमी है। तो इनको वो कमी दूर करना होगा, इनको वो वर्कआउट या वैसा प्रैक्टिस कराना होगा, उनको ट्रेनिंग देना होगा। कम उम्र के हैं और अभी हल्के फुल्के परिवार से ऐसे खान पान है जिसके वजह से ये अभी उस लाइक नहीं है, तो इनको वो लाइक बनाने के लिए रेडी कर चुके हैं और आईएसएल में शामिल करने का तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, तो फिजिकलिटी के लिए इनको बोला गया है और ये फिजिकली जब पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, उस लाइक हो जाएंगे खेल खेल करके और अपने मसल्स को भी बेहतर बना लेंगे फुटबॉल के लिए, तो इनको वो चांस मिलेगा कि इंडियन सुपर टीम के सबसे ऊपरी टीयर पे पहुंचेंगे। कार्ल्स कैडेट कहते हैं कि संथाल आदिवासियों को ऐसा मौका या ऐसे खिलाड़ियों का ऐसा मौका जरूर मैं दूंगा, डेवलपमेंट में उनकी सहायता करूंगा, जिनके अंदर टैलेंट है, हुनर है, उसका कदर मैं जरूर करूंगा, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग है या जिन उनका तैयारी है वो प्रॉपर होना चाहिए। इंडियन फुटबॉल टीम का जो भी प्लेयर होगा वो सबसे ऊपरी हिस्सा में होना चाहिए, फर्स्ट टीयर पे होना चाहिए, हाई टॉप टीयर पे होना चाहिए, सबसे ऊंचाई पे रहना चाहिए, तभी वो फुटबॉल टीम के लाइक है। तो अभी श्यामलाल बेसरा को उस लाइक वो नहीं बोले हैं और उन्हें कई प्रिपरेशन, उनको ट्रेनिंग से गुजरना होगा, तब जाकर के वो आईएसएल टीम के लिए खेल पाएंगे, जिसकी तैयारी में वो लग चुके हैं और उनका प्रिपरेशन ओवरसीज प्लेयर यानी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उनकी ट्रेनिंग होने वाली दोस्तों। उनको
वो अपॉर्चुनिटी दिया गया है श्यामलाल बेसरा को कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ रह करके अपनी ट्रेनिंग अपनी तैयारी को पूरा कर सके और अपने आप को काबिल बना सके कि वो ISL इंडियन सुपर लीग के टीम में शामिल हो सके और उसमें खेल सके और कुछ बड़ा कीर्तिमान अपने कम्युनिटी अपने समुदाय अपने विलेज अपने समुदाय अपने घर परिवार के लिए कर सके। तो उन्हें वो मौका दिया गया ISL में शामिल होने के लिए। अब वो ओवरसीज प्लेयर के साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, उनसे ट्रेनिंग हासिल करेंगे, उनसे उनके तजुर्बों को सीखेंगे और अपने एक्सपीरियंस को और अपने सीख को भी आगे डेवलप करेंगे। इसी काम में लगा है श्यामलाल बेसरा। क्या आप सभी का सपोर्ट है श्यामलाल बेसरा को तो कमेंट में जरूर बताइए, और क्या क्या ऐसा हुनरबाज कोई है तो कमेंट में उनके बारे में जरूर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस स्पेशल खिलाड़ी या उस स्पेशल व्यक्तित्व के बारे में ला सकूं। फिर मिलता हूं नए वीडियो में, सबको अलविदा, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।